हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज में, जहां पर आपको छोटी बड़ी अपडेट्स आपसे रिलेटेड मिलती रहती है। दोस्तों, एक फॉर्म आया है और उसकी नोटिस को पहले आप देखिए, और मेरे ख्याल से आपने नोटिस देखा भी होगा और नोटिस देखने के साथ ही यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें गौर की होगी। ये नोटिस तो आपने देखा भी होगा और इसकी अपडेट आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि आपको जो है फॉर्म भरने की डेट और ये सारी चीज़ दे दी गई है। अब एक मार्कशीट आपकी रही होगी, मार्कशीट आप देख लीजिए। मार्कशीट अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पास आउट हैं और 21-22 के हैं, ठीक है, मैं उसको भी बता, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मार्कशीट है पूर्वांचल से फर्स्ट ईयर जो है 21-22 में इनकी मार्कशीट आई हुई, यानी 21-22 के इन्होंने 21 में इनरोल हुए हैं, 22 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर रिजल्ट में प्रमोटेड शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट में जो है ये प्रमोटेड बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब रही बात कि इसी से रिलेटेड जो ये नोटिस आई है, इस नोटिस कहा गया कि फॉर्म जो है यहाँ पर भरा जाएगा और ये इस क्लास भर सकते हैं इसलिए। अब साथ ही साथ एक बात और गौरने की है, तो आप यहाँ पे ये नोटिस को भी नीचे से पहले सही समझिएगा। 21-22 के प्रथम सेमेस्टर विभागों के प्रवादित समस्त पाठ्यक्रम BA, BSc, BCom, BEd, LLB, BBA, BCA, BPed, BSc ऐसे था जो पूर्व में परीक्षा फॉर्म वर्चू जमा कर दिए हैं, यानी उनको अगर फॉर्म भर दिया है या जमा हो गया तो उनको फिर फॉर्म भरने के कोई शुल्क नहीं जमा करना है, यानी किसी तरीके का कोई भी पैसा उनका नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर, क्योंकि अब ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है ये आपको पता करना होगा, पता करने के बाद आप जो है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी पर आ जाना है। तो जैसे आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे मैं पूरी स्टेप बाई स्टेप खोलकर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है जैसे ये खुल जा रहा है तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पर आ जाना है। एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक करिए, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म पर आ जाएंगे आने के बाद ये फाइल न्यू और इस पर आपको क्लिक करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, उसके बाद आपको किसका भरना है उसको चूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखा NEP, ओल्ड सेमेस्टर, रेगुलर, बैक और इम्प्रूवमेंट फॉर्म आ गया, इस पर क्लिक कर दिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर जो है स्पेशल बैक UG और लिखा है, यानी यहाँ आने के बाद आपको इस पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर समझिएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा स्पेशल बैक, और एक बार दिख रहा होगा रेगुलर, फिर सेमेस्टर, फिर इम्प्रूवमेंट। तो आपको स्पेशल बैक को चूज करना है, ये मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपको किस क्लास का बनना है, BA, BSc, BCom, इसको आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको BA का भरना है, BSc भरना है, कोई भी एक क्लास जो आप जिस क्लास का भरना चाहते हैं उसको चूज करिए। चूज करने के बाद आपको रोल नंबर और किसके थ्रू आपके फॉर्म को खोजना है, तो रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, तो मैं रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर और फादर नेम डाल के आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर एडमिशन ईयर कौन सा पड़ेगा ये भी सवाल उठता है कि कौन सा, तो आप यहाँ पर 22 को एडमिशन चूज कर लीजिएगा कि आपने 21 में एडमिशन लिया था, तो 21 चूज करके और कैप्चा डाल के डनग्राम में करके आपको दिखा। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, रोल नंबर भी डाल दिया है और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को आप इंटर कर दीजिए। जैसे लिखा है कैप्चा स्मॉल वैसे ही आपको यहाँ डाल के सर्च पर क्लिक करना है। तो मैं आपको सर्च पर डायरेक्ट क्लिक करके आपको शो करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है शो हो गया है, और होने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे फॉर्म ऑलरेडी आपका आ चुका है कि आप इस फॉर्म में जो है सम्मिलित हो सकते हैं लिखा हुआ है। अब प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आसानी के साथ तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर पूरा फॉर्म करना है। मैं फॉर्म को कंप्लीट करके एड्रेस वगैरह आप भर लीजिएगा, और मेन चीज़ पर मैं आके, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही जिससे मैं फॉर्म को कंप्लीट करके आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आपको एड्रेस भी सिमिलर एड्रेस डाल लीजिएगा। एड्रेस डालने के बाद आपको ये यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है। डालने के बाद फिर आपके सामने नीचे पेपर खुल के आएगा। अब फीस कितनी लगेगी तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो फीस का क्राइटेरिया है दोस्तों, अगर आप एक पेपर भरते हो तो आपकी फ़ीस जो है वो 600 लगेगी, ठीक है। और अगर आप दो से ज़्यादा पेपर पढ़ते, दो तीन चार, तो ये फीस की जो पेपर है वो 800 हो जाएगी। तो आप इसको मान लीजिए कि आपको किस किस सब्जेक्ट का भरना है, तो अगर एक भरोगे तो 600, और बाकी जो है आपकी जो फीसें हैं वो 200, मतलब जो यहाँ पे बढ़ जाएगा, आप जितनी पेपर भर सकते हैं। तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये आ गया है, और आने के बाद ही यहाँ पर आपका इंग्लिश का किस में भरना है तो वो आपके मार्कशीट को चेक करना पड़ेगा। मार्कशीट को चेक करते हैं, मार्कशीट में आपको मार्कशीट के बेस पर आपको दिखेगा,
और मार्कशीट यहाँ पर जो मार्कशीट दी हुई है इस मार्कशीट को इसके बेस पर टैली करिएगा कि आपका यहाँ पे जो ये ग्रेड अवार्ड किया गया है वो किस पर है। जैसे यहाँ पर एफ लिखा है तो एफ का क्या मतलब है, तो यहाँ पर एफ का मतलब है हमारा नंबर जो है वो 33-32 तक है, इसलिए फेल दिखा रहा है। तो आपको जिस जिस में बैग डालना होगा वो पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बार बार डाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये डाल दिया मैंने और आप आसानी के साथ देख सकते हो। अब अगर आपको मार्कशीट को ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके मार्कशीट पर यहाँ क्या है, तो ये डाल दिया। डालने के बाद जैसे ही चीज़ें हो गई हैं उसके बाद आप सीधे जो है नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद ये आपको आपका इसमें छूटा है तो इसको भी डाल लीजिए, और यहाँ पर जो है आपका मार्क्स पूछेगा कि नंबर कितना है, तो इस नंबर को आप 600 कर दीजिएगा, ठीक है। ये उठा लिया और लेने के बाद बाकी चीज़ें क्राइटेरिया में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, और सिक्योरिटी पर्पज मैंने फोटो और सिग्नेचर को हाइड किया है, ठीक है। अगर आपकी फोटो और सिग्नेचर में कोई एक भी नहीं आ रहा तो आप इसको कॉलेज पे जाके सही करा लीजिए, ठीक है। और लेने के बाद सेफ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नंबर डालने के बाद जैसे ये कैप्चा डाल के और आई एग्री करने के बाद आप सेफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये खुलकर आ जाएगा और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपका ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है फॉर्म नंबर को आपको चूज कर लेना है। जैसे पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे ये नंबर आ जाएगा, नंबर को नोट कर लीजिएगा, और करने के बाद जैसे ही ओके कर देंगे आपके सामने जो है पेमेंट की स्लिप पे लेके ये चला जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट आप किससे करना है ये आपको क्लियर कर लीजिएगा। यूपीआई करना है, वॉलेट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिसे भी हो, तो वो यूपीआई के थ्रू करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ जो है जनरेट क्यूआर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो मैं उसको करके आपको दिखा। अब ये मैंने कैप्चर वो जो है नंबर डाल लिया, क्यूआर कोड को मैंने स्कैन कर लिया, और करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया ये नंबर जो है स्कैन होना शुरू हो चुका है, ठीक है। और फॉर्म अभी यहाँ पर जो है पेमेंट हो गया है। अभी ये होने के बाद ये सक्सेस आपके सामने मैसेज दे देगा, थोड़ा वेट करेंगे और सक्सेस का इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, ठीक है। और प्रिंट आउट आसानी हो गई। अब बाकी आप फॉर्म कैसे निकालेंगे उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर जो दिया इस नंबर को नोट कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाइए और इसके ऑफिशियल मतलब जो है वेबसाइट उस पर आ जाइए। जैसे ही उस पर आते हैं, आने के बाद यहाँ आइए और रीप्रिंट फॉर्म पर वो नंबर जो आपने कॉपी किया था उस नंबर को आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। तो नंबर मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हो पाया, मैं नंबर फिर से कॉपी कर और उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते कैप्चा अगर गलत होगा या कुछ भी गलत हो जाएगा तो वो नहीं खोले देगा, तो फिर से आप वापस कैप्चा अगेन डालिए और जैसे लिखा वैसे ही डालिएगा, और डालने के बाद फॉर्म आ गया और सबमिट पर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म आ गया। फॉर्म देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म पूरा खुलकर आ जाएगा। करने के बाद आप आसानी के साथ निकाल के 4 पेज में इसको लेकर कॉलेज में सबमिट कर दिए, दैट्स इट। तो बहुत आसान है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिनको भी इस तरह की दिक्कत आती है वो लोग जरूर कर ले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मिलता हूँ मैंने, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।